हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस ब्लॉग में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। बट उससे भी पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया मुझे मेरी लद्दाख सीरीज़ में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि आपके पास तक जल्दी से जल्दी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के शेयर करूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। तो थैंक यू सो मच एंड ए बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हमारा हेलमेट। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये हेलमेट चेंज कैसे हुआ है, जब हम आ गए थे वहाँ तो कुछ और था। ये एक्चुअली बाइक के मैचिंग का ही हेलमेट है, बाइक के साथ ही लिया गया था। ये ही सेम शेड्स बाइक पे है और ये ही सेम इस हेलमेट पे है, और कुछ इस तरह है हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। सबसे पहली चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका हेलमेट चिन माउंट। वैसे तो आप अगर चाहें अलग से माउंट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उन माउंट्स को लगाने के लिए आपको सबसे पहले 3M टेप चाहिए। उसके साथ साथ एडेसिव आते हैं जो कि एमसिल होते हैं, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है, आप जब उसको इधर लगाओगे, इधर लगाने के बाद से जब आप कभी उसको हटाना चाहोगे तो वो साथ साथ वहाँ से पेंट भी उतार लेगा। पहली तो चीज़, कोई भी अपने नए हेलमेट पे ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा, और दूसरी वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, और साथ ही साथ वो उसका अल्टरनेटिव जब इतना अच्छा मिल रहा है कि आप इसको बहुत ही इजीली लॉक अनलॉक करके निकाल के जब चाहें जब मर्ज़ी दूसरे हेलमेट पे लगा सकते हैं, तो फिर क्यों ही हेलमेट को ख़राब करना। सबसे पहले मैं आपको इस हेलमेट चेन माउंट के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसकी कॉस्ट थी समवेयर अराउंड 600 to 700 rupees। काफ़ी सारे प्राइस रेंज में आपको मिलेगा, लेकिन सब सेम ही चीज़ है, सेम ही मटेरियल है, ऐसे ही लॉक्स आते हैं, सब कुछ सेम है उसमें। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले यूट्यूब पे देखे थे कि क्या आप इसके ऊपर पूरी तरह रिलाई कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपना वहाँ का पूरा व्लॉग भी इसी के ऊपर किया था। इसमें होता क्या है, जब आप ये जो लॉक दिख रहे हैं इसको यहाँ से टाइट कर देते हो तो ये हल्का सा लूज रह जाता है, लेकिन जब ये वाइज़र पूरा बंद हो जाता है तो ये जो यहाँ से अंदर स्ट्रैप जा रहे हैं ना इसमें, ये इसको और टाइट कर देता है। तो फिर ये देख लो, ये बिल्कुल टाइट है और आप इस पर आराम से रिलाई भी कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए वो है आपका एक्शन कैमरा, और मैंने परचेज़ किया था ये Insta360 1R। ये ट्विन एडिशन है जिससे मैंने अपने 360 वीडियोस पर साथ ही साथ नॉर्मल वीडियोस भी शूट करे थे। इसको इस पे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ। आपके एक्शन कैमरे को इस पे माउंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो आपको दो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, आप जब भी कोई ऐसे थर्ड पार्टी कोई भी ऐसे केस आप परचेज़ करते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपना एक्शन कैमरा भी माउंट करना चाहते हो, उसमें नीचे दो हुक आते हैं। आपको करना क्या है, बस उन हुक्स को इन दो एम्प्टी स्पेसेस के बीच में ऐसे करके, और ये जो हमने स्क्रू निकाला था इसकी मदद से इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर देना है। और इसको टाइट करने के बाद आप इस पे चाहे ऑफ रोडिंग करें या फिर आप हाईवे पे भी क्रूज़ करें, ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिलने वाला है। साथ ही साथ मुझे इस वाले जो हेलमेट और इस चिन स्ट्रैप के साथ जो कॉम्बिनेशन का जो फ़ायदा मिला है वो ये था कि इसका जो एंगल बन रहा था, इसके एंगल से मैं हेलमेट पहनने के बाद भी अंदर से आराम से देख पा रहा था कि कब मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, कब पॉज हो रही है। मेरे पहले वाले हेलमेट में थोड़ा ये इशू आ रहा था कि इसका जो एंगल बन रहा था वो थोड़ा नीचे के साइड था, तो वो बार बार मुझे अपना वाइज़र खोल के तब देखना पड़ रहा था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आराम से मैं अंदर से देख सकता हूँ कब वीडियो चालू है कब नहीं है, और मुझे बार बार वाइज़र भी खोलना नहीं पड़ता।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका ऑडियो यानी माइक। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया हुआ है JBL का CSLM M20 करके मॉडल आता है, इसमें ईयर प्लग भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईयर प्लग का मोटो ब्लॉगिंग में कोई यूज़ नहीं है, तो उसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसको हेलमेट पर सेटअप करके दिखाता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा आपका ये ईयर प्लग, जिसमें ये आपका माइक हो गया, और उसके साथ में ये आपका ईयर प्लग जो आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। साथ ही साथ इसमें आता है एक ही कन्वर्टर जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैंने जो इसको बिना इसके चलाने की कोशिश करी है तो ये नहीं चल पाया था। तो जो इसका इंस्टा का ही ऑफिशियल माइक अडेप्टर आता है उस वो इतना सा साइज़ का है, और ये कन्वर्टर पहले उसमें लगेगा और फिर बाद में ये कनेक्टर लगेगा इसमें। तो सबसे पहले इसको इसके साथ लगा लेते हैं। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको आपके एक्शन कैमरा से कनेक्ट करने के लिए चाहिए आपके माइक को, वो है ये इंस्टा 360 का माइक अडेप्टर, जो कि बहुत ही छोटा सा है साइज़ में। GoPro के मैंने जो देखे हैं ऑनलाइन वो इतने बड़े साइज़ के आते हैं कि इतना बड़ा आपका पूरा एक्शन कैमरा होता है, और फिर उसको स्टिक करो जगह जगह, कोई उसको हेलमेट के साइड में लगाता है, या फिर अलग से उसका एक बहुत ही बड़ा केस आता है वो परचेज़ करना पड़ता है अलग से, ताकि वो उसके अंदर हाइड हो सके। इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, ये इतना सा माइक अडेप्टर आपका वही काम करेगा जो GoPro का माइक अडेप्टर काम करता है। चलिए तो अब आपको इसमें माइक अटैच करके दिखाते हैं। इंस्टा 360 में ये इधर के साइड आता है जहाँ पे आपका माइक लगेगा, बहुत इजी एक्सेसिबल है, और ये अगर आप चाहें निकाल भी सकते हैं इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। इस बार जब मैं गया था तो मैंने इसके वाटरप्रूफिंग का थोड़ा जुगाड़ किया था। ये इसमें ये अगर आपको दिख रहा है ये एक लॉक है, ये लॉक इजीली रिमूवेबल है, और फिर आप इसको दोबारा से लगा भी सकते हैं। ये लॉक है, ये आपका इसमें नीचे ये माइक अडेप्टर का स्लॉट है, और इसी के ऊपर लगता है आपका मेमोरी कार्ड भी। ये अगर दिख रहा है आपको, एक सेकंड मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये नीचे माइक अडेप्टर है और ये ऊपर मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तो ये जो इसका अडेप्टर आता है, पहले इसको इसमें लगा देते हैं, और फिर इसके बाद जो हमने ये माइक रेडी किया था इसके साथ कन्वर्टर के साथ, इसको इससे अटैच कर दें, और ये हो गया। इतना इजी स्टेप था बस। अब बात आती है इसको इतने बड़े तामझाम को कैसे अरेंज करना है। इस सबको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसको ऐसे लीजिए और इसको इसके पीछे अच्छे से राउंड करके पूरा कर दीजिए। जितनी भी आपको लगता है आपके लिए सफिशिएंट है, उतना करने के बाद में इसको हम अंदर अटैच करके दिखाएंगे कि अंदर के साइड में आपको कहाँ पे उसको लॉक करना है। तो ये हो गया कुछ ऐसे, और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं लग रहा। बाद में लास्ट में बचता है आपका ये सा वायर, जिसमें एक हो गया आपका माइक और एक है ईयर प्लग। तो ईयर प्लग की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम अपने कैमरा के जो इनर लाइनिंग है उसको अभी निकाल के और उसके पीछे जुड़वा देंगे, और इसको हम अपने जहाँ पे भी बेस्ट ऑडियो मिलेगा वहाँ पे इसको अभी प्लग कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना और बहुत ज़रूरी है, अगर आप हेलमेट ले रहे हैं तो उसकी जो इनर लाइनिंग है अगर ये रिमूवेबल है तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा सब चीज़ सेटअप करने के लिए। नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ये सेम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना एज सच कोई इशू नहीं है। प्लस एक चीज़ और, ये जो दोनों वायर्स हैं, ये जो आपका माइक का है, इस माइक वाले वायर को तो आप छोटा रख सकते हैं, क्योंकि इसको बाद में बिल्कुल यहाँ पे आगे के साइड ही कहीं पर हम अटैच करने वाले हैं,
बट ये जो आपका ईयर प्लग है इसका वायर थोड़ा लंबा छोड़ना ताकि आप उसको इजीली इनर लाइनिंग के पीछे एक छुपा सकें। तो आपको ये दिख रही है जो इनर लाइनिंग है इसकी, इधर ये वाली, इसमें क्या है, ये यहाँ पे लॉक है, इसको ऐसे रिमूव किया। और ये जो ईयर प्लग है इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, इसको इसके पीछे हम छुपा देंगे। ये वापस से लॉक हो गया। उसके बाद में जो हमारा ये माइक है, अब इसको माइक को यहाँ पे अंदर जो ये आपको स्ट्रैप दिख रहे हैं, आप इसके मदद से ये क्लिप आता है, जो भी आपका सुटेबल, जहाँ पे आपको ये लगे कि आपकी साउंड बेस्ट आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वहाँ पे इस पिन के थ्रू वहाँ पे आराम से सेट कर लीजिए। ये हो गया पूरा रेडी सेटअप, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। अब हम आपको इसकी साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे। कुछ इस तरह लगता है आपका ये पूरा सेटअप। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आपको इसी जो हेलमेट माउंट पे माइक लगा है इसकी ही ऑडियो आ रही है, एंड आई होप बिल्कुल क्लियर आ रही होगी कि मैंने इसका माइक अपने सुटेबल रेंज के हिसाब से ही सेट किया है। अब जो एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर इन केस बारिश होती है तो व्लॉगिंग कैसे की जाएगी। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस है पानी जाने के, इसका दो ही तरीके हैं इसको वाटरप्रूफ बनाने के। या तो एक ब्लू टैग करके अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट आता है, उसकी मदद से आप ये जितने स्पेसेस हैं इनको फिल कर सकते हैं और वो इसको वाटरप्रूफ बना देगा। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी अपने ट्रिप पे करी थी, मैंने क्या किया था, इसके जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें छोटे छोटे पीसेस पॉलीथिन के जो बिल्कुल छोटे छोटे करके उसको मैंने इस पे करके, और इसको सारे को अच्छे से वाटरप्रूफ टेप से कवर कर दिया था। अब उससे हुआ क्या कि ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो गया था, ये बिल्कुल लूज़ नहीं था, और साथ में ही वो बार बार मुझे सेट नहीं करना पड़ता था क्योंकि उसके बीच में इसका स्पेस अलग से रह गया था। जब मैं जब मर्ज़ी चाहूँ इसको निकाल भी सकता था और फिर वापस से प्लग करके बस उसको थोड़ा प्रेस करके टाइट करना होता था। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी आइडिया ठीक लगते हैं करने के लिए वाटरप्रूफिंग, तो आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है बट मुझे लगता है कि वो काम करेगा इस पर भी। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है उनका मैं ढूंढ के उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आपके लिए परचेज़ करना ईजी हो जाए। इसके साथ गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।